गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थ्री का पांचवा लेसन चालाक लोमड़ी। तो इस कहानी को मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ बताया गया है उसे मैं पढ़ देता हूँ। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को यह बताया गया है कि हमें सदैव बुद्धि से काम लेना चाहिए। यह बात हमेशा याद रखना, कोई भी काम करो तो अपनी बुद्धिमानी से करो। इस पाठ में लोमड़ी कुएं में गिर जाती है। यहाँ पे हमें कहानी में मिलेगा कि लोमड़ी जो है वो कुएं में गिर जाती है, परंतु अपनी बुद्धि के द्वारा वह असफल कार्य को भी सफल बना देती है। और वह कुएं से कैसे निकलना चाहिए, वो अपनी बुद्धिमानी लगाया, दिमाग लगाया और कुएं से बाहर आ गया। तो हमें भी अपने दिमाग से, अपनी बुद्धिमानी से अपना कार्य को सफल कर लेना चाहिए। जैसे क्लास का होमवर्क हो या क्लास वर्क हो या क्वेश्चन आंसर हो, तो अपने दोस्तों से कलेक्ट करके ले लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, होशियार होना चाहिए। अपना कार्य कैसे सफल करना है उस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। माता पिता को हमेशा रेस्पेक्ट करो, टीचर को रेस्पेक्ट करो और अपना कार्य को कंप्लीट करके रखो समय रहते ही। तो सुनते हैं कहानी क्या है। एक दिन एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। वह बहुत भूखी थी और भोजन की तलाश में थी। वह पेड़ों की तरफ देखते हुए चली जा रही थी। बहुत भूखी थी तो इधर उधर देख रही थी, ऊपर के तरफ सीधे किनारे के तरफ, कहीं भोजन मिल जाए तो खा लूँगा, लेकिन आगे की तरफ नहीं देख पा रही थी क्योंकि वह हड़बड़ी था, चंचलता था। अचानक वह एक कुएं में गिर गई और आगे एक कुआं था और चलते चलते वह कुएं में गिर गई। लोमड़ी ने कुएं से निकलने का बहुत प्रयत्न किया। वहाँ थोड़ा गहरा था, थोड़ा पानी था, ज़्यादा पानी नहीं था, और कुएं से बाहर आने की बहुत कोशिश किया लेकिन निकल नहीं पाया, किंतु वह कुएं से निकल न सकी। कुछ समय उपरांत एक मोटा बकरा कुएं पर आया और देखा कि एक बकरा आया हुआ है ना कुएं के पास। वह कुएं में झांकने लगा, वह कुएं को देख रहा था, कुएं को झांक रहा था। तो वह बहुत प्यासा था, इससे पता चला कि बकरे को बहुत प्यास लगा है। उसने कुएं में एक लोमड़ी को देखा और कहा, हाँ बकरे ने जैसे ही लोमड़ी को देखा तो कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या आप मुझे पानी पिलाओगी? तो बकरे ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, हाँ पानी पिलाओगे? तो लोमड़ी ने उत्तर दिया, इस कुएं का पानी अत्यंत मीठा और शीतल है। हाँ हाँ क्यों नहीं, है ना, ये पानी बहुत ही मीठा और शीतल है, बहुत ठंडा है, अच्छा है। तो आप इसे पी सकते हो? हाँ पी सकते हो। बकरा कुएं में कूद गया और इस तरह से बकरा कुएं में जानबूझकर कूद गया पानी पीने के लिए, और वह जी भरकर पानी पीने लगा। डूबने लायक तो कुआं था नहीं। लोमड़ी बकरे की पीठ पर चढ़कर बाहर आ गई और जैसे ही मौका मिला, बकरा तो अपना पानी पी रहा था, और लोमड़ी उसके पीठ पर चढ़ गई, है ना, और चढ़कर बाहर आ गई, कुएं के बाहर आ गई। मूर्ख बकरा बेचारा कुएं में ही रह गया, और वो बकरा बेचारा कुएं में ही रह गया, वो बाहर नहीं निकल सका। शायद उसके मालिक होंगे, घर वाले होंगे, बाद में आकर ले गए होंगे, है ना। तो हमेशा होशियारी से अपना काम पूरा करना है। बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदा बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो अपना बुद्धि लगाओ और अपना कार्य को सफल बनाओ। थैंक यू।